हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे बेस्ट प्रिंटर्स की जो आपको 5000 से लेके 10000 रुपीस तक के देखने को मिल जाएंगे और जिनकी प्रिंटिंग कॉस्ट जो होगी वो लगभग तक अगर हम बात करें तो 10 पैसा यानी 1 रुपये में आप 10-10 पेजेस प्रिंट आउट कर सकते हो। साथ में उसकी प्रिंटिंग स्पीड की बात करें तो 20 से लेके 25 ppm तक की मोनोक्रोम की प्रिंटिंग स्पीड देखने को मिल जाएगी। तो जो सारे के सारे बेस्ट प्रिंटर्स है 5000 से लेके 10000 के बीच में, वो मैंने सारे के सारे इस वीडियो के अंदर आपको बता दिए हैं। तो आपको दूसरी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, इस वीडियो में आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। तो मेरा नाम है साहिल टिलवानी एंड वेलकम टू माय चैनल टेकी ट्रेंड्स। तो इस वीडियो में मैं आपको टॉप 4 बेस्ट प्रिंटर्स बताऊंगा जो 5000 से लेकर 10000 रुपीज़ के बीच में आपको देखने को मिल जाएंगे और वो सारे के सारे इंक टैंक प्रिंटर्स होंगे और लेजर जेट प्रिंटर टेक्नोलॉजी पे होंगे। अगर हम हमारी प्राइस बढ़ा ही रहे हैं तो हम 5000 तक अगर हम इंक्रीज कर ही रहे हैं तो हम इंक जेट वाले प्रिंटर्स नहीं लेंगे, इंक टैंक या लेजर जेट वाले ही प्रिंटर लेंगे क्योंकि उनकी जो स्पीड होती है वो भी तेज होती है। साथ में अगर हम बात करें उसका जो कॉस्ट पड़ती है हमारे पास में पेजेस की, जो प्रिंटआउट कॉस्ट होती है वो भी सस्ती होती है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं फर्स्ट हमारा जो प्रिंटर है वो है HP की तरफ से HP स्मार्ट टैंक 210। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसकी प्राइस की मैं अगर बात करूं तो ये आपको 7000 से लेके 8000 का देखने को मिल जाएगा। ये एक टाइप से सिंगल फंक्शन प्रिंटर है यानी कि आप इसमें से प्रिंटिंग कर सकते हो, ये मल्टी फंक्शन नहीं है यानी कि इसमें आप प्रिंटिंग, स्कैनिंग और कॉपिंग ये सब तीनों चीज़ें नहीं कर सकते हो, सिर्फ प्रिंटिंग कर सकते हो और ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसमें आपको वाईफाई का सपोर्ट देखने को मिल जाता है यानी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हो वेरी इजीली। अगर हम इसकी प्रिंटिंग स्पीड की बात करते हैं तो मोनोक्रोम में 12 पेजेस पर मिनट की देखने को मिलती है और वहीं हमारे पास में कलर प्रिंटिंग की बात करते हैं तो 5 पेजेस पर मिनट देखने को मिल जाएगी। 100 शीट्स की इनपुट ट्रे आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है। अप टू 12,000 ब्लैक और 6,000 कलर पेजेस प्रिंट आउट कर सकता है ये प्रिंटर यानी जो इंक आपको साथ में मिल रही है प्रिंटर के साथ में उसमें अगर हम बात करें तो 12,000 तक के ब्लैक एंड वाइट पेजेस प्रिंट आउट हो सकते हैं और 6,000 के कलर पेजेस प्रिंट आउट हो सकते हैं। तो ये हमारे पास में कंप्लीट क्लेम करती है। वहीं अगर हम बात करते हैं, आप देखो अगर इंक जेट प्रिंटर लेते हैं जो हमारे पास में 3,000 का 4,000 तक का आता है, उसकी जो प्रिंटिंग कॉस्ट पड़ती है हमारे पास में जो ब्लैक एंड वाइट पेजेस की है वो पड़ती है नियर अबाउट 8 रुपीज़ के आसपास, तो हम उसे अप्रोक्स 10 मान लेते हैं। तो इसको 12,000 × 10 करेंगे तो ये तो बहुत महंगा पड़ जाएगा भाई, कितना ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा और ये हमें बहुत सस्ता देखने को मिल जा रहा है। थोड़ा सा प्राइस हमें अपना बजट बढ़ाना पड़ता है तो ये एक अच्छा खासा फीचर हमें देखने को मिल जा रहा है। साथ में एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो बॉर्डरलेस प्रिंटिंग हो गई, इसमें 1.1 इंच की LCD डिस्प्ले भी देखने को मिल जाता है। साथ में हमारे पास में जो साइज़ हो गए A4 हो गया, A5 हो गया, जो ज़्यादातर पेजेस जो प्रिंट आउट हो सकते हैं वो सारी की सारी साइज़ इसमें सपोर्ट देखने को मिल जाती है। और वैसे साथ में मैंने जो इन सब की लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रखी है तो आप डायरेक्टली वहीं से जाके और भी स्पेसिफिकेशंस चेक कर सकते हैं और भी लोगों के रिव्यूज़ देख सकते हो और डायरेक्टली वहीं से ख़रीद भी सकते हो। तो सेकेंड नंबर पर जो हमारे पास में प्रिंटर आता है वो है एप्सन की तरफ से, एप्सन इको टैंक L130। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये भी एक टाइप का सिंगल फंक्शन प्रिंटर ही है यानी इसमें भी आप सिर्फ प्रिंटिंग कर सकते हो और ये इसकी अगर हम प्राइस की बात करें तो ये आपको 8000 से लेकर 9000 के बीच में देखने को मिल जाएगा। इसमें हमारे पास में 15 पेजेस पर मिनट की कलर प्रिंट आउट देखने को मिलता है और 27 पेजेस पर मिनट की मोनोक्रोम प्रिंटिंग यानी ब्लैक एंड वाइट पेजेस जो होते हैं प्रिंट हो सकते हैं। ये जो प्रिंटिंग स्पीड है इसकी 27 ppm तक की है, तो जिनको फास्ट वाले प्रिंटिंग स्पीड वाला हमारे पास में प्रिंटर चाहिए तो उनके लिए ये बेस्ट रह सकता है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी, इसमें वाईफाई सपोर्ट नहीं देखने को मिलता है, USB कनेक्शन देखने को मिलता है, तो लैपटॉप से हो गया, जो सारे OS है विंडोज़ हो गया, मैक OS हो गया, सब सपोर्ट करते। इसमें एक और स्पेशल फीचर है, जैसे हमने ज़्यादातर प्रिंटर्स में देखा है A4 साइज़ हो गया, A5 साइज़ हो गया, ये सब प्रिंट होती है। इसमें साथ में A3 साइज़ का जो पेपर होता है वो भी सपोर्टेड है, उसको भी आप प्रिंट आउट कर सकते हो, साथ में ग्लूसी पेपर, ये भी एक्स्ट्रा फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अप टू 6500 ब्लैक एंड वाइट एंड 4000 कलर पेजेस आप प्रिंट आउट कर सकते हो एक बार में इसमें और 50 शीट्स की इनपुट ट्रे देखने को मिल जाती है जो ठीक ठाक है इस रेट के हिसाब से। तो ये हो गया हमारे पास में एप्सन की तरफ से। अगर आपको एप्सन कंपनी का लेना है तो आप इसकी तरफ जा सकते हो, ये एक अच्छा ऑप्शन है अगर आपको ऐसे फास्ट प्रिंटिंग स्पीड वाला प्रिंटर चाहिए तो। तो थर्ड नंबर पर जो हमारे पास में प्रिंटर आता है वो फिर से है HP की तरफ से, HP इंक टैंक 316।
अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसकी जो कॉस्ट आपको देखने को मिल जाएगी वो 9000 से लेकर 10000 के अराउंड देखने को मिल जाएगी। ऑफर्स के साथ में आपको और भी सस्ती देखने को मिल सकती है। ये एक मल्टी फंक्शन इंक टैंक प्रिंटर है, तो जिनको मल्टी फंक्शन इंक टैंक चाहिए, जिनको मल्टी फंक्शन प्रिंटर चाहिए, अभी तक हमने जितों की बात की वो सिंगल फंक्शन प्रिंटर थे, यानी सिर्फ प्रिंटिंग हो सकती थी। ये मल्टी फंक्शन है, इसमें प्रिंटिंग हो गया, स्कैनिंग हो गया, साथ में कॉपिंग, ये तीनों की तीनों चीज़ें हो सकती है। इसका बस एक चीज़ है इसमें भी ये याद रखना है, इसमें वाईफाई सपोर्ट नहीं देखने को मिलता है, सिर्फ यूएसबी फंक्शन वाला है। प्रिंटिंग कॉस्ट की बात करते हैं, अगर हम जो प्रिंटिंग कॉस्ट इसमें लगभग तक सारों में ही सस्ता ही देखने को मिल रहा है, इसमें मैं प्रिंटिंग कॉस्ट भी बता रहा हूँ, 10 पैसा ब्लैक एंड वाइट पेपर के और 20 पैसा कलर वाले के। अगर इसको हम ऐसे खरीदते हैं होम यूजर्स के लिए तो बहुत अच्छी बात है, सस्ता ही पड़ रहा है। प्लस अगर ऐसे ऑफिस यूजर्स के लिए, दुकान पर लगाने के लिए भी खरीदते हैं प्रिंटिंग के लिए, तो अच्छा खासा प्रॉफिट आपका बैठ सकता है, नो डाउट, क्योंकि 20 पैसे में आपको कलर प्रिंटआउट निकल जाएगा और जो आप उसको सेल आउट करोगे वो 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ में ही करोगे, तो उस हिसाब से अच्छा खासा प्रॉफिट भी इसमें आपको देखने को मिल जाता है। साथ में अगर हम बात करें तो एक बार में 8000 पेजेस जो मोनोक्रोम का हमारे पास में ये है उससे प्रिंटआउट कर सकते हैं, और 6000 पेजेस कलर प्रिंटआउट हो सकते हैं इसमें। स्मूथ एंड ड्यूरेबल है, 60 शीट्स की इनपुट ट्रे देखने को मिल जाती है, जो नॉर्मल है, इतना ज़्यादा बुरी भी नहीं है और ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, ओके है। और पेजेस साइज का सपोर्ट की बात करें तो A4 हो गया, A5, ये सारे जो पेजेस साइज सपोर्ट को मिलते हैं वो इसमें भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये एक अच्छा खासा प्रिंटर है, जिनको मल्टी फंक्शन प्रिंटर चाहिए वो इसकी तरफ जा सकते हैं। इसकी कॉस्ट नियर अबाउट 9000 से लेकर 10000 तक की देखने को मिल जाएगी। तो फोर्थ नंबर पर जो हमारे पास में प्रिंटर आता है वो है HP का HP लेजर 1008A प्रिंटर। अगर हम इसकी बात करें तो ये लेजर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड प्रिंटर है। इसमें एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि ये कलर प्रिंटआउट नहीं कर सकता, सिर्फ ब्लैक एंड वाइट पेपर जो प्रिंटआउट होते हैं वही सपोर्टेड होते हैं, इसमें कलर प्रिंटआउट नहीं हो सकता। इसकी प्राइस की भी बात करें तो 10000 से लेकर 10500 की देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपको ऐसा प्रिंटर चाहिए जो लेज़र प्रिंट टेक्नोलॉजी पे है, तो ये इस रेट के अंदर सबसे बेस्ट लगा, इसलिए मैंने इसको रख दिया है। ये सिंगल फंक्शन प्रिंटर है, पहली चीज़ इसमें सिर्फ प्रिंटिंग हो सकती है। दूसरी चीज़ की बात करें तो इसमें भी वाईफाई सपोर्ट नहीं देखने को मिलता है, सिर्फ यूएसबी टाइप वाला है। वाईफाई सपोर्ट वाला हमने जो सबसे पहले वाली बात की थी 8000 में, और वो एक तरह से उस रेट के अंदर तो सबसे बेस्ट, मैं नंबर वन पर उसी को रखना चाहूँगा, क्योंकि सबसे बेस्ट था, जो सारे फीचर्स उसमें देखने को मिल जा रहे थे, बस हाँ सिंगल फंक्शन था, मल्टी फंक्शन नहीं था, और वैसे तो ये भी सिंगल फंक्शन ही है। साथ में अगर हम बात करें, इसमें 150 शीट्स की इनपुट ट्रे देखने को मिल जाती है, तो अच्छी खासी बड़ी इनपुट ट्रे देखने को मिल रही है 150 शीट्स की। प्रिंटर की बात करें, मोनोक्रोम में मैंने आपको बता दिया है, इसमें से ब्लैक एंड वाइट ही प्रिंट आउट हो सकते हैं। मैक्सिमम प्रिंटिंग स्पीड की 20 से लेकर 21 पेजेस पर मिनट की देखने को मिलती है। पेज साइज सपोर्ट की बात करें तो A4 हो गया, A5 हो गया, ये सारे हमारे पास में पेज साइज सपोर्ट भी होते हैं, और 10000 पेजेस की ड्यूटी साइकिल है इसकी। तो ये एक टाइप से हमारे पास में लेज़र प्रिंटर हो गया, जो एक अच्छा डील थी है इस रेट के अंदर, 10000 से लेके 10500 में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे के सारे प्रिंटर्स मैंने आपको बता दिए जो इस रेट के अंदर बेस्ट थे। अगर आपको आपका बजट इतना ज़्यादा नहीं है और आपको चाहिए कि थोड़ा सस्ता प्रिंटर मिल जाए हमें, 5000 तक मिल जाए और जिसमें कॉस्ट भी कम मिले, तो मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने बता रखा है बेस्ट प्रिंटर्स अंडर 5000। आप उस वाले को रिफर कर सकते हो, 5000 का बजट है तो 5000 के लिए तो सबसे बेस्ट मैंने प्रिंटर बता रखा है, जो सस्ते कॉस्ट में आपको देखने को मिल रहा है, उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट भी अच्छी खासी सस्ती है, तो आप उसको प्रेफर कर सकते। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप डायरेक्टली उस वीडियो को देख सकते हो, तो वो भी एक अच्छी वीडियो है, अगर आपका बजट उतना है तो आप उसकी तरफ जा सकते हैं। और वैसे अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।